महज 16 साल की दीपिका 10वीं कक्षा की छात्र है, मगर सामान्य विद्यार्थी न होकर दीपिका का नाम विद्यालय के होशियार छात्रों में शुमार है। आज ये मासूम अपनी जिंदगी से जिंदगी छीनने की जंग लड़ रही है। गौरतलब है इस बच्चे की इतनी छोटी उम्र में ही दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में कुदरत का ये कहर अर्की की दीपिका पर मौत बनकर मंडरा रहा है। दीपिका की माता के चेहरे से चेहरे की खिन्नता इनके दिल के गुबार को समझाने के लिए काफी है। पति का साया सर पर नहीं और जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए कोई सहारा मयसर नहीं। आलम यह है कि डॉक्टर्स ने भी महज एक महीने के भीतर किडनी बदलने की मोहलत रखकर इस अबला की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि अपनी बेटी को किडनी देने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं, मगर ऑपरेशन के दौरान होने वाले खर्चों से इनका सब कुछ आहत हो चला है। मीडिया से मुखातिब होते हुए इस औरत का दर्द खुद ब खुद लफ्ज बनकर छलकने लगा। सर मेरा नाम सुखदेव है, मैं बहुत लाचार हूँ। मेरी बेटी की 16 साल की है, उसकी किडनी दोनों फेल है। मैं बहुत सरकार से बहुत उम्मीद करती हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। मेरी बेटी की कैसे न कैसे मदद मिल जाए, कि मैं बहुत क्या गरीब हूँ, कि मैं सरकार से ऐसी दुआ करती हूँ कि कैसे न कैसे मेरी मदद की जाए, कि इलाज के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ भी हो जाए तो मैं सरकार की भारी होंगी कि मेरी लड़की कैसे न कैसे बच जाए। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ सरकार से कि मेरी लड़की को कैसे न कैसे बेहतर इलाज करे। अगर आप अफसर शाह हैं, इस रिपोर्ट को अगर आप देख रहे हैं, या फिर आप सरकारी तंत्र के नुमाइंदे हैं, या फिर एक यथार्थ समाज सेवी, तो इस औरत की हर संभव मदद जरूर करें और दीपिका की जान बचाकर इस महान सेवा को कृतार्थ करें। न्यूज इंडिया लाइव टीवी की पूरी टीम आप सभी से गुजारिश करना चाहती है, यथा संभव आप दीपिका की सहायता कर इस मासूम की जिंदगी को पुनः जीवित करें। सोलन से अमरप्रीत पुंज। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।